friends, how are you? I hope you all are fine. I hope you enjoyed the online class also. Today we are going to discuss the revise chapter number 18 from your EVS book. Chapter name is locating places. We have completed your EVS book chapter maybe 11, 12. Last class we have discussed 15 and 16, 17 chapter 8 videos. Then today we will going to discuss revise chapter number 18. Today's class is B. Fill in the blanks and write T for true and F for false. Okay, let's begin. First, fill in the blanks is maps help us to place places. Maps जो हमें help करता है किसी के कि place को देखने के शो ठीक है. मैप से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. रोड्स मैप आर डेज मैप्स. जो रोड मैप होती है वो फ्लैट मैप होती है. डेज आर इम्पोर्टेंट प्लेसेस नियर द पर्टिकुलर प्लेस वी आर मैपिंग. क्या हम जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस होती हैं पर्टिकुलर प्लेसेस वो जाने के लिए तो कुछ जगह की जरूरी होती है, वो क्या होता है, एक लैंड मार्क की जरूरी होती है. चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे मार्केट हो, चाहे मॉल हो, कुछ भी हो, एक लैंड मार्क की जरूरी होती है. तो क्या होता है यहाँ पे लैंड मार्क. डेज कलर इन द मैप स्टैंड फॉर एग्रीकल्चरल लैंड. जो एग्रीकल्चरल लैंड के लिए कलर हम मैप में कौन सी कलर हम देख रहे हैं, येलो कलर. ओके, लेट्स बिगिन. मैप हेल्प अस टू फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा. सो एस एस शो डब्ल्यू शो important places near the particular map stands for agricultural land. Okay, then
नंबर इज सिंबल्स की डायरेक्शन ऑन ए मैप. जो सिंबल्स होती है वो मैप में हमें डायरेक्शन देती है. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज राइट या रॉन्ग? दिस स्टेटमेंट इज राइट. अ ग्लोब इज ए फ्लैट मैप ऑफ द अर्थ. जो ग्लोब होता है वो फ्लैट मैप होता है अर्थ की. तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है. ग्लोब फ्लैट मैप नहीं होती है. मैप शो प्लेसेस एज दे लुक फ्रॉम बिलो. जो मैप हमें क्या करता है? प्लेसेस शो करता है और फिर उससे हम इजी से एक जगह में पहुंच जाते हैं. तो ये क्या होता है? ये स्टेटमेंट इज ट्रू. लैंड मैप्स आर इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑन ए मैप. जो मैप का ज़्यादा जरूरी क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, वो लैंडमार्क होता है. एक जगह में पहुंचने के लिए अगर कोई हमें बता दे किसी के घर हम जा रहे हैं, अगर कोई लैंडमार्क हमें बता दे बहुत ईजीली हम उसके पास पहुंच सकते हैं. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अ मैप में शो ओनली ओशंस एंड रिवर्स. जो मैप में खाली ओशंस और रिवर्स दिखाया जाता है क्या? नो. अलग भी माउंटेन्स वगैरह ये भी दिखाए जाते हैं. कल्चरल जो होती है लैंड वो भी दिखाया जाता है. तो दिस स्टेटमेंट इज on a map. This statement is true. Here write true. Here true. Okay. Then true. A globe. It's a flat. Map on the earth. This statement is false. We are right, false. Three ancient maps show places as they look from below. This statement is next quote. Landmarks are important places on a map. Statement is true. The last five. A map may show only ocean. This statement is false. It is right, false. Okay, students, today class is enough. आप इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट टू फॉल्स है ये आपको नोटबुक में करना है और उसके साथ साथ आपको लर्न भी करना है. टुमारो वी विल गोइंग टू डिस्कस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. मेक अप.